नमस्कार किसान भाई साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दलोदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विष्णु पाटीदार। दोस्तों आज का दिन है 30 जनवरी 2022 का और मैं जो आपको अवको की स्थिति बता रहा हूं ये बिकने के लिए आई है 31 जनवरी 2022 को सोमवार के दिन। ये आवके जो आज आई है सोमवार के दिन बिकेगी दोस्तों, तो उसकी स्थिति में अभी तक कितनी आवके हो चुकी हैं, दोपहर की जो स्थिति आपको मैं बता रहा हूँ 12:40 अभी की स्थिति में हो रहे हैं और अभी तक कितने आवके मंडी के अंतर्गत आ चुकी हैं, तो पूरा वीडियो आप सभी किसान भाई जरूर देखिएगा। जानकारी और मेरी सेवा अगर आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने संबंधी और साथी किसान भाई तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी किसान भाइयों को ऐसे ही रोजाना की अपडेट मिलती रहे दोस्तों। चैनल अगर बढ़िया लग रहा हो, जानकारी अगर आपको बढ़िया लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जल्द कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम प्लेटफॉर्म नंबर, जो स्थिति आज की हमें देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ की स्थिति। प्लेटफॉर्म नंबर फर्स्ट को मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ की स्थिति में कि किस प्रकार की उसके अंदर आवके आज की हमें देखने को मिली है। तो पूरे प्लेटफॉर्म की साइड में मैं आपको घूम करके स्थिति बता रहा हूँ। दो किसान भाइयों ने थोड़ा नीचे की ओर भी स्थिति में जो हमें लोट खाली देखने को मिले हैं, उधर भी 2-3 लोट खाली होते हुए देखे हैं। तो काफी छोटे लोट हैं, लेकिन नीचे भी किसान भाइयों ने लोट खाली कर रखे हैं, जो मैं आपको उधर भी आपको ले चलूंगा। और फर्स्ट की ओर भी जो स्थिति हमें देखने को मिली है आज की, उधर भी मैं आपको ले चलूंगा। पूरी प्लेटफॉर्म साइड में आपको घूम करके मैंने आपको जानकारी बताई, जो आपको वीडियो के माध्यम से देख ही रहे हैं आप सभी किसान भाई। इसी के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को और ले चलता हूं मैं आपको पुराने लहसुन की जो आवके आज के हमें देखने को मिली है। बाजार तो धीरे धीरे रोज बढ़ता ही जा रहा दोस्तों पुराने लहसुन के अंतर्गत, लेकिन उसकी आवके भी जो है धीरे धीरे कम ही होती जा रही है। आज भी हमें जो देखने को मिला 1-2 लोट ही पुराने लहसुन का हमें देखने को मिला है, वो देखने को मिला पुराने लहसुन में प्लेटफॉर्म नंबर सेकंड की ओर। दोनों की स्थिति मैंने आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताई है, नई और पुरानी दोनों की। तो दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा कि अभी की स्थिति में अगर आपकी लहसुन नई लहसुन पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, आप तैयार कर रहे हैं और शाम तक अगर मंडी में लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको शाम का ही मंडी में जाना अच्छा रहेगा, पूरी तरह से अपनी लहसुन की फिनिशिंग अगर आपकी कटाई चल रही हो तो कटाई करके अगर शाम तक मंडी में आना चाहते हैं दोस्तों आराम से आ सकते हैं। मंडी में शाम तक भी गेट लगने की संभावना नहीं है, जो मैं आपको अभी की स्थिति में 12:40 की स्थिति आप सभी किसान भाइयों को बता रहा हूँ। दोस्तों आप अगर शाम को 5, 6 या 7 बजे तक भी अगर मंडी में आते हैं तो आप आराम से आ सकते हैं, अपना लोड खाली हो जाएगा, पूरी तरह से आप लहसुन खाली कर पाएंगे, शाम तक यही मंडी के गेट नहीं लगेंगे दोस्तों, जिस प्रकार की मैं अभी की स्थिति आपको बता रहा हूँ। बाकी मेरे वीडियो को अपलोड करने के बाद में अगर आपके बढ़ सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी शाम तक गेट लगना असंभव है दोस्तों, पूरी तरह से जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आप लेट भी आते हैं तो भी आप मंडी के लिए अनिवार्य रूप से आप आ सकते हैं और कल आप निलामी कार्य का पूरी तरह से उपयोग कर पाएंगे, अपनी लहसुन का बिक्री कार्य पूरा कर सकेंगे। दोस्तों जानकारी अगर पूरी देखने को मिल गई होगी, आपको पूरी सेवा अगर मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने संबंधी और साथी किसान भाई तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और आप भी अगर पहली बार अगर जानकारी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जल्द कर लीजिएगा, पास में नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार से जब भी हम वीडियो आप सभी किसान भाइयों तक अपलोड करते हैं, आप सभी किसान भाइयों की सेवा के लिए अपलोड करते हैं, तो आप जल्द से जल्द उस वीडियो को देख पाएं।